वेलकम बैक टू दिस चैनल भाई। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मैंने अपनी हाइड्रेटर के लिए मैट्स लिए हैं वो दिखाने वाला हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, काफ़ी महीनों से सोच रहा था कि यार इसके लिए एक अच्छे मैट्स लूँगा, फ्लोर मैट, क्योंकि जो मैंने इस पर मैट्स लगवाए थे ना, टोयोटा से गाड़ी की डिलीवरी ली थी तभी मैंने इस पर मैट्स लगवा दिए थे, वो इतने मज़ेदार वाले नहीं थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कुछ मैट्स थे जो कि 3D 4D कुछ नहीं है, ये सिंपल है, बस इसमें हाइड्रेटर की बैजिंग थी तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा। और ये 4 पीस का है, मतलब ये 5 पीस का सेट नहीं था, ये 4 पीस का सेट था, उस टाइम उन पर अवेलेबल नहीं था और तो इन्होंने ये लगा दिया। और ऐसा था ना कि उस टाइम ये गाड़ी जब मैंने ली थी तो हर जगह इसकी एसेसरीज मिलती नहीं थी, तो मैंने इसीलिए ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और उनसे जो भी मिला मैट्स मैंने इनसे लगवा लिए थे। लेकिन ये मेरा मन था काफ़ी टाइम से कि यार GFX या 7D वाले मैट्स इसके लिए मैं लूँगा, तो फाइनली मैंने ले लिया है। 5 दिन पहले मैंने लिया था और आप मेरा पेशेंस चेक कर रहे हो, 5 दिन पहले मैंने मैट्स लिए थे और अभी भी मैंने उसे खोल के चेक नहीं करे। अभी भी देखो मेरी गाड़ी के बूट पे रखा है एकदम पेटी पैक, अभी तक मैंने खोल के भी चेक नहीं किया कि भाई ये कैसे है कैसे नहीं है। बस शॉप वाले से मैंने कंफर्म कर लिया था कि भाई ये GFX के ही है ना, 5 पीस वाले, तो ये GFX के ही निकले थे। तो पेशेंस चेक कर रहे हो मेरा, वरना मैं ऐसा हूँ कि मैं जो भी चीज़ लेता हूँ ना उसी टाइम खोल के उसी टाइम लगा देता हूँ, तो मेरे को टाइम भी नहीं मिला था तो मैंने खोल के भी चेक नहीं किया। तो आज मैं आपको वीडियो बनाते बनाते दिखा भी देता हूँ मेरे गाड़ी के मैट्स, प्राइसिंग के साथ बताऊँगा भाई प्राइस कितनी प्राइस में मेरे को ये मिला है। काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी इसलिए मैंने ये ले लिए थे। एक बार पीछे वाले मैट्स भी दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, ये मैंने बोला ना 4 पीस वाले है तो इसका जो मिडल वाला है ये आता नहीं था और ये सिंपल से ही आता था। बताओ यही चीज़ ही मेरे को टोयोटा से 2500 या 3000 का मेरे को पड़ा था 4 पीस का। दिखने में भाई कुछ ये ऐसा आता है, अगर आप GFX के मैट्स लोगे तो ये प्रॉपर एक बॉक्स में पैक होके आता है। और एक बार मैं आपको इसकी MRP भी दिखाई देता हूँ ना, MRP कितनी है इसकी, ये देखो भाई 4500 की इसकी MRP है, लेकिन मेरे को ये बहुत सही डील में मिल गया था। उसका प्राइस बताता हूँ, पहले आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखो भाई प्रॉपर ये पॉलीथीन में पैक होके आते हैं, ये देखो भाई पूरा प्रॉपर पॉलीथीन है। अभी इस पॉलीथीन को निकालता हूँ, ये देखो भाई ये है अपना पीछे वाले का, रेयर साइड का है ये, और ये फ्रंट ड्राइवर साइड का है, और ये अपना लेफ्ट साइड के को पैसेंजर ड्राइवर साइड का है। तो इनकी क्वालिटी चेक करो भाई, एकदम रबराइज मटेरियल का है ये, और GFX की ब्रांडिंग भी आपको दिख जाएगी। एक बार लगा के दिखाता हूँ, जो पीछे वाला आप लगाओगे तो आप अपनी जो सीट है उन्हें आगे कर लेना, वरना ये आसानी से जाएगा नहीं। और अभी मैं उस वाली सीट को भी आगे कर देता हूँ, फिर ये प्रॉपर तरीके से अंदर जाएगा। देखो भाई दोनों सीट आगे करके प्रॉपर तरीके से अंदर गया है, ठीक है, ये देख लो। और भाई ये पता नहीं ये स्क्रैचेस कहाँ से लग गए, पहले के हैं मेरे को लगता है, जब मैंने गाड़ी में सामान रखा था ना 2-4 दिन पहले तब के ये स्क्रैचेस लग गए। और ये देखो भाई पीछे से कुछ ऐसा लगेगा, अब मैं आपको फ्रंट का दिखाता हूँ। ये देखो भाई फ्रंट का प्रॉपर है ये, मतलब ये देखो आप, ये जो हमारा अपना डेड पेडल है ये प्रॉपर तरीके से कवर करता है। और इसको मैं ऐसे ढंग से लगा देता हूँ, तो अगर आप एक्सेलरेशन करोगे तो ये आपका ये फंसना नहीं चाहिए। तो ये देखो मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ और ये कहीं नहीं फंस रहा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसकी पोजीशन इसका कट टू कट है, ये लोग कहते हैं कि लेज़र कटिंग से इनका कुछ बनता है। ये अपना लेफ्ट साइड का वाला देख लो भाई, एकदम प्रॉपर तरीके से है ये, मैंने प्रॉपर ये जो वायरिंग आ रही है मेरे डैश कैम की है, इसे इग्नोर करना, बाकी GFX की ब्रांडिंग है प्रॉपर तरीके से, और एकदम पूरी फिनिश है ना, कट टू कट फिनिश है, मतलब कहीं से भी जो आपकी डस्ट है वो बाहर नहीं जाने वाली, क्योंकि इसकी ये देखो लेंथ देखो, ये हाइट देखो इसकी, तो कोई जो भी डस्ट है ना आपकी यहीं पे ही इकट्ठी होगी, आपके इस साइड में कारपेट में नहीं जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको इस साइड का दिखाऊँ एक बार, ड्राइवर साइड का, तो ये देख लो, और ये अपना लेफ्ट साइड का भी देख लो, ठीक है। अब मैं आपको पीछे का दिखा देता हूँ, पीछे का एकदम प्रॉपर फिटिंग के साथ है, मैंने आपको राइट साइड का तो दिखाई दिया था, ये अपना लेफ्ट साइड का प्रॉपर फिटिंग के साथ है, ये यहाँ तक का है, ये जो आपकी बैटरी है बैटरी से पहले ही अपना एंड हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके का है, मतलब कहीं से भी आपकी डस्ट है ना बाहर नहीं जाएगी। इसकी भी आप वो देखो हाइट देखो, अगर आपको दिख रही हो तो कहीं से भी आपकी डस्ट बाहर नहीं जाएगी। बस इसे निकालना आसान नहीं है, अगर आपकी गाड़ी गंदी है ना तो इस कारपेट को निकालना आसान नहीं है, आपको पहले साफ़ करना पड़ेगा तब जाके ये कारपेट ये अपना जो मैट है ये निकलेगा, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे ही निकालोगे ना तो आपकी जो डस्ट है वो सीट पर आ सकती है। ये किसका मुझे ड्रॉबैक लगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, वैक्यूम क्लीनर से साफ़ हो जाते हैं। पुराने मैट्स चेक करो और भाई वो वाले मैट्स देखो कितना फ़र्क है, मतलब ये मैट्स तो यार डस्ट को सारे कारपेट में कर देता था, लेकिन ये जो मैट्स मैंने लगवाए हैं ना GFX वाले, उसमें काफ़ी हद तक मेरी जो डस्ट है
वो सिर्फ कारपेट के अंदर तक ही रहेगी, ठीक है। ये देखो पूरी कारपेट के अंदर रहेगी, प्रॉपर फिटिंग है। मैं आपको बैठ के दिखाऊं तो ये देखो कहीं भी जो आपका एक्सेलरेशन है, मेरा एक्सेलरेशन कहीं भी नहीं फंस रहा। पैडल जो है ये प्रॉपर तरीके से है, क्योंकि ये जो पैडल है ना आपके मैट में फंसने नहीं चाहिए, अगर ये फंसेंगे तो भाई दिक्कत है। अभी देखो मैं अपनी पीछे वाली सीट में बैठा हूँ और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर जो मेरे नॉर्मल मैट्स थे ना उनमें क्या होता था, मैं पीछे बैठता था या कोई भी पीछे बैठता था, जो मैट्स है ना आगे चले जाते थे, हमारे पैर से आगे चले जाते थे। लेकिन ये प्रॉपर फिटिंग है, मतलब ये प्रॉपर अपनी ही जगह में रहेंगे। आप कितना भी आप अपने पैरों को इधर उधर कर लो, लेकिन ये मैट्स अपनी पोजिशन में ही रहेंगे। और ये जो आपको जो मिडल वाला जो मैट है ये इसी से अटैच्ड है, ये वन पीस में है। तो ये क्या रहता है, ये आपका जो मैट है कोई बीच में बैठता है तो उसका पैर लगने से कभी लेफ्ट चला जाता है कभी राइट चला जाता है, लेकिन ये प्रॉपर फिक्स है, अटैच्ड है, ये वन पीस है, इसीलिए ये अपनी जगह में ही रहेगा। कोई भी जिसके भी पैर ज़्यादा चलते हैं लेकिन उसके मैट्स इधर उधर नहीं होंगे, उसके पैर इधर उधर हो सकते हैं लेकिन ये मैट्स अपनी ही जगह में रहेंगे। इसका फ़ायदा पता है क्या रहता है, आपकी जो कारपेट है उसमें डस्ट कम से कम जाती है, ठीक है, जाती है लेकिन कम से कम जाती है। अब ये देखो मैं पूरा बैठा हूँ तो मेरे पैर यहाँ तक जा रहे हैं, अब मैं थोड़ा आराम से बैठूंगा तो मेरे पैर आगे तक जा रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये जो चीज़ है ये आगे तक एक्सटेंड होनी चाहिए थी, लेकिन चलो अब क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको इस साइड का दिखाऊं तो ये देखो प्रॉपर अपनी जगह में ही रहेगा, और जो उसकी हाइट है ना इस साइड से ये इसकी ज़्यादा है, तो इससे क्या है जो आपकी डस्ट है आपके कारपेट में नहीं जाएगी, कम से कम जाएगी। तो ये थोड़ा इसका मुझे बेनिफिट मिल गया इन मैट्स का। तो जो नॉर्मल मैट्स है और इन मैट्स में यही फ़र्क आता है, ये अपनी प्रॉपर जगह में रहता है और आपकी डस्ट कम से कम कारपेट में जाती है। और जो उसकी स्मेल है ना मैट्स की, जो स्मेल है, जो मैंने अपने पहले वाले मैट्स जो लगवाए थे उनमें स्मेल आती थी, एक काफ़ी गंदी सी स्मेल आती थी, जो एक रबड़ की स्मेल होती है। लेकिन ये मैट्स लगवाने के बाद मेरे को अभी जो मैंने देखा है कि 15 मिनट हो गए हैं मुझे बैठे हुए और कोई सी भी ना बैड स्मेल नहीं आ रही है, कहीं से भी कोई अनवांटेड स्मेल नहीं आ रही है। मतलब जो भी अगर मेरे को अगर जो स्मेल आ रही है ना वो एक नए प्लास्टिक जैसी लग रही है, जैसे आप नई गाड़ी लेते हो ना तो उसकी जो प्लास्टिक की स्मेल होती है वैसी ही स्मेल आ रही है, कोई ख़राब स्मेल नहीं आ रही, कहीं आपको विंडो खोलना नहीं पड़ेगा, ये है बस। बाकी आप बताना आपको कैसे क्या लग रहे हैं, जितना हुआ मेरे से मैंने आपको दिखा दिया। अब बात आती है प्राइसिंग की, ये मेरे को कितने के पड़े, 4500 की इसकी MRP थी इसके बॉक्स में, मेरे को ये पड़े हैं 3500 के, ठीक है। हाई राइडर के लिए, ग्रैंड विटारा के लिए 3500 के हैं, और अगर आपको 70 वाले चाहिए तो 70 वाले भी आते हैं, वो भी अप्रॉक्स मेरे हिसाब से 3500 के आसपास का उसका प्राइसिंग चल रहा है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आप कहाँ से लेते हो। और 70 वाला मैंने इसीलिए नहीं देखा क्योंकि ये ना 70 वाले में एक तो सबसे पहली बार वो थोड़े पुराने हो गए हैं, ये थोड़े दिखने में काफ़ी अच्छे स्पोर्टी से हैं, दूसरा उसमें ना वो कपड़े वाला मटेरियल है तो जब भी अगर गाड़ी में पानी अगर वो गिर गया तो उसे सुखाने में टाइम लगेगा, इसे सुखाने में टाइम नहीं लगेगा, इसे आप नॉर्मल गीले कपड़े से, गीले माइक्रोफाइबर से इसे साफ़ कर लेना, 2 मिनट में सूख जाएगा, इसे सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ये गीला भी हो जाता है, इसे आप धोते भी हो तो ये रबड़ाइज मटेरियल है तो आपको टाइम नहीं लगेगा इसे सूखने के लिए, 2 मिनट आप इसे रख दो और एक माइक्रोफाइबर से साफ़ कर दो, आपका जल्दी से काम हो जाएगा, ये मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, इसकी मेंटेनेंस कम है। और बूट मैट भी आता है इसका, GFX का बूट मैट आता है, वो अप्रॉक्स 1500 का है, मैंने पता किया था, मैंने उस टाइम लिया नहीं क्योंकि मेरी गाड़ी पीछे से पूरी पैक थी उस टाइम, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो बनाई थी, गाड़ी पूरी पैक थी, जगह भी नहीं थी रखने की, ये भी जैसे तैसे इसका बॉक्स आया था तो मैंने रख दिया था, वरना मेरा मन था कि मैं इसका जो बूट मैट है वो भी ले लूँ, 1500 के आसपास मुझे पड़ रहा था, वो भी ठीक ठाक प्राइस दिया GFX के 1500, और क्या ही चाहिए। वरना ये सेम मैट्स, अगर आप ये सेम GFX के मैट्स आप 5 पीस का अगर आप टोयोटा से लोगे ना तो 7500 का मुझे पड़ रहा था, ये सेम क्वालिटी सेम चीज़। तो आप ये खुद देख लो, अगर आप टोयोटा से लोगे तो आपको 7500 के आसपास का पड़ेगा, अगर आप आफ्टर मार्केट लोगे तो आपको अच्छा खासा प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। 3500 में मेरे को मिला था, अगर आपको मेरे से चाहिए तो भाई मेरे को ईमेल कर देना, अगर आप आसपास रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोरियर चार्जेस लगेंगे तो हो सकता है ये चीज़ महंगी मिले, लेकिन तब भी वो देख लेंगे कोरियर चार्जेस कितने लगते हैं अगर मैं इसे कोरियर करवाता हूँ दूसरी सिटी में तब, ठीक है। तो ये थी एक वीडियो अपने मैट्स के बारे में मैंने बताया, और बताना कि आपको कैसे लगे, प्राइसिंग का मैंने बता ही दिया था आपको, और हाँ ये है कि अगर आप शोरूम से लोगे तो आपको प्राइस इसकी ज़्यादा मिलेगी, अगर आप आफ्टर मार्केट लोगे तो यही चीज़ आपको सस्ते में मिल जाएगी, ठीक है, सेम क्वालिटी है। और ये है कि आप एक बार लगा दो तो 4-5 साल तक तो कोई ज़रूरत ही नहीं है मैट चेंज करवाने की। तो ये थी वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, और कॉमेंट करके कुछ पूछना हो तो भाई पूछ लेना। तब तक लिए गाइस ओके एंड बाय।